चलो टीम जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट करो। बैट्समैन तरुण जो अच्छे बैट्समैन है, काफी मैच खेल चुके हैं इनने, सिंधी प्रीमियर लीग में भी इनका अच्छा प्रदर्शन था। पहली गेंद इधर राहुल अपनी डालते हुए, अच्छा शॉट लगाया था तरुण भाई ने इधर पर, फील्डिंग अच्छी उतनी पिंटू की। दूसरा बॉल लेते हुए एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इधर अच्छा बॉल डालते हुए राहुल, राहुल ने अभी तक दो बॉल डाले, दो बॉल में दो रन दिए, डबल दो बॉल में तीन रन। काफी अच्छी फील्डिंग की है राहुल ने, बॉलर राहुल और फील्डर भी राहुल। लेफ्ट हैंड के बॉलर है राहुल। इधर अच्छा शॉट लगाया रोहन ने, दो रन कंप्लीट किए तीसरे रन के लिए, पर तीसरा रन नहीं मिला। पिंटू भी ये वरप के, ये भी अच्छा फील्डिंग करते, ये भी बैटिंग भी अच्छा है इनका, हर मैच में इनने भी अच्छे अच्छे बैटिंग शॉट्स लगाए। वाइड गेंद, वाइड गेंद, इधर काफी अच्छा बॉलिंग डालते हैं राहुल, लास्ट बॉल राहुल का। काफी अच्छा शॉट लगाया इधर तरुण भाई ने, पहला ओवर राहुल ने अच्छा ओवर डाला है, 11 रन दिए उनने बस। नेक्स्ट बॉलर पंकज जो नेक्स्ट मैच मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं, और इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि सामने वाला कंफ्यूज होता है। काफी अच्छा इनने बैटिंग भी किया था पंकज भाई ने। पंकज भाई की पहली गेंद, फेस करेंगे रोहन। बोलो ना दादा, मेरे को आता नहीं ना, तुम रहना चाहिए था ना इधर।
भाई को 500 रुपया रॉक दादा की तरफ से। उधर एक पर्ची लिख करके जो है ना बोलो ना भाई साहब, बोलो देने का आज तीन बॉल पे 3-6 मारेगा रॉक दादा की तरफ से 500 रुपया रॉक की तरफ। बोलो जो भी पंकज का मारेगा बोल दिया इसको इधर रख दो नीचे। हेलो हेलो अभी सही हेलो कितना हुआ स्कोर? और आपको ले चलते हैं सीधा दशहरा के स्टेट से। अभी लाइव का प्रसारण जिस तरीके से चालू है टूर्नामेंट में, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए बॉल रनिंग मार पे जाते हुए सामना करने के लिए खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन भरपूर वहां पे गेंद आई नहीं, कैच आउट होकर के पवेलियन की दिशा में जाते हुए तरुण आयोजित ये धमाकेदार इस साल का टूर्नामेंट जिस तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया है, काफी दूर दूर तक सभी दर्शक सभी जनों को प्रदर्शन यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है गंगोत्री प्रीमियर लीग 2023 वन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और काफी यहाँ पे अच्छा बॉलर की अगली गेंद शॉट खेल दिया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती, वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक दोनों फील्डरों ने एक रन कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच, काफी रोमांचक मुकाबला गंगोत्री प्रीमियर लीग का ये आज दूसरा दिन सफल आयोजन जिस तरीके से यहाँ एक ही यूनिफॉर्म में सभी खिलाड़ी नजर आते हुए एक से एक धुरंधर को खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए आतुर। बहुत अच्छी डिलीवरी बॉलर पंकज, काफी जाना पहचाना नाम है दशहरा ग्राउंड पे और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपने पिछले मैच में, उनके परफॉर्मेंस की वजह से प्रदर्शन की वजह से उनकी टीम में काफी योगदान रहा है उनका। दशहरा का इतना खूबसूरत ग्राउंड पवेलियन की दिशा में यहाँ जो बना हुआ पवेलियन, इस ग्राउंड को चार चांद लगाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, दो ओवर की समाप्ति स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, माफ करना। दूसरा ओवर प्रगति पर, पंकज की अगली गेंद डीप की तरफ, डीप लॉन्ग आप की तरफ खेला, वहां पे फील्डर ने हालांकि प्रयास किया था लेकिन सीमा बाहर के जाते हुए 4 रन, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। दो ओवर की समाप्ति, टोटल बढ़ता हुआ रन 21 रन,
अगले बॉलर की अगली गेंद बहुत ही खतरनाक शॉट लॉन्ग आपकी दिशा में खेले गए, जोरदार छक्का, कोई मौका नहीं, ओवर पिच बॉल थी और वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से चाहते हुए कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा, जोरदार छक्का। साथ व्हाइट बॉल के साथ में एक रन का और इजाफा होता हुआ, इस तरीके से दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ, यहाँ पे दर्शकों के अंदर उत्साह, जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल करके मैच का आनंद ले रहे। उछाल दिया लेग साइड की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, देखना है सूरज की आड़ में ले पाते कि नहीं, आसान कैच, वहां पे कोई गलती नहीं किया। गंगोत्री प्रीमियर लीग का ये दूसरा दिन और आज फाइनल भी खेला जाएगा, काफी अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित टीमें अपना प्रदर्शन करने के लिए आतुर, धीरे धीरे दर्शकों की संख्या लंच के बाद पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम नजर आएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। बैट्समैन तैयार सामना करने के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, शानदार कवर ड्राइव, गेंद सीमा रखा कि वहां पर एक रन दौड़ का कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने, बहुत ही अच्छा क्लासिकल शॉट था, हल्की सी शॉट डिलीवरी ऑफ साइड की दिशा से जा रही थी और पूरी तरीके से पुश कर दिया ऑफ साइड की दिशा में। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए और वाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा, डिक्लेयर एक रन प्लस, अच्छा शॉट और वहां पे हल्की सी मिसफील्ड, उसके बाद तीसरे दूसरे खिलाड़ी ने वहां पे जब तक गेंद को कंप्लीट किया दो रन कंप्लीट किए, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच। अब जैसे ही फाइनल का समय नजदीक आएगा, एक से एक यहां पे मुकाबले देखने को मिलेंगे। जोरदार शॉट खेल दिया है लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद और ये दूसरा कैच, बहुत ही अच्छी कैचिंग, हालांकि सामने सूरज पड़ता है, सूरज की तरफ एक हाथ को लगा करके उस कैच को छोड़ने की कोशिश नहीं करते, कि वो सोचते ही नहीं कि यह कैच छूट जाए, इस तरीके के फील्डर भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार दूसरा किया उस खिलाड़ी ने, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। गंगोत्री प्रीमियर लीग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन जो सामाजिक कार्यों के लिए प्रगति की ओर अग्रसर, क्रीड़ा के क्षेत्र में, स्पोर्ट में, सामाजिक कार्यों में हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से इस बार ये पूरी जोरदारी के साथ में प्रीमियर लीग का आयोजित किया, जिसमें भरपूर समर्थन यहाँ पे मिल रहा है सभी दर्शकों का, सभी रहवासियों का, अर्धशाय मैदान में सभी आए हुए सभी सज्जन
सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आंखों देखा हाल सुनाते हुए कमेंट्री बॉक्स से व्हाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार और बहुत ही अच्छी डिलीवरी सीधा विकेट कीपर के हाथ में, जो कि नेहरू काफी सीनियर खिलाड़ी है और काफी अच्छे खेल के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। बॉलर रनिंग मार पे जाते हुए सामना करने के लिए और शॉट खेलना चाहते थे लेकिन लेग साइड की दिशा में थी, वहां पे डिक्लेयर का एक रन प्लस। बॉलर रनिंग मार पे हिट करना चाहते थे लेकिन वहां पे पूरी तरीके से चूके, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा और एक एक रन से यहाँ पे स्कोर की गति धीरे धीरे बढ़ती हुई। बहुत ही अच्छी डॉट बॉल आप साइड से हल्का सा उछाल लेती हुई, हल्के से गेंद को पीछे करके गेंद को बाउंस कराया था और सीधा डॉट बॉल कीपर के हाथ में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। बॉलर रनिंग मार पे शॉट खेलना चाहते थे, खतरनाक वहां पे साबित और इसी के साथ आउट। पूरी तरीके से बल्ले पे नहीं आने की वजह से खेलना चाहते थे, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूके वहां पे क्रॉस बैट लगने की वजह से। बाकी अभी बॉलर का देखना है कि अपने टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं। बॉलर रनिंग मार पे जाते हुए स्ट्राइक पे तैयार बैट्समैन, यॉर्कर डिलीवरी, वहां पे फील्डर लेग साइड में मौजूद पंकज ने गेंद को फील्ड किया सीधा कीपर के हाथ में। कीपर नरु ने अपने गेंद को हाथों में लेने के बाद थोड़ा आपस में कुछ वहां पे डिस्कस करते हुए। देखना अपनी टीम के लिए क्या कमाल दिखाते हैं। टोटल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 36 रन टू 4 ओवर लॉस, 4 विकेट लॉस। अगले बैट्समैन के रूप में देव नानी स्ट्राइक पे, स्ट्राइक लेने के लिए दूसरे बैट्समैन तैयार। बॉलर हल्का सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए और देखना है किस तरीके से अटेंड करते हैं। यॉर्कर डिलीवरी अनसाइड, लॉन्ग ऑन की दिशा में प्लेस किया था और एक रन दौड़कर कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट और बहुत ही अच्छी बॉल थी इस बार, चूके पूरी तरीके से, हवा का रुख भी थोड़ा सा विपरीत नहीं है
धन्यवाद। इसी के साथ मैच जारी। बॉलर की अगली गेंद बहुत जोरदार शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया, जोरदार छक्का, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखे के बाहर जाती है। 6 रन। ओवर पिच गेंद करने का यहाँ पे गुस्ताखी किया था बॉलर ने, और इस तरीके से देखा जाए जोरदार हिट, बहुत ही खूबसूरत छक्का, 6 रन का इजाफा होता हुआ अपने टीम के खाते में। लगाया है आप साइड में कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया जोरदार छक्का। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए मुस्लिम तैयार पूरी तरीके से, यार का डिलीवरी बहुत ही खतरनाक गेंद इस बार, लेकिन उसको भी कामयाब हुए खेलने में, और बदकिस्मती से वहां पे सीट में अड़ती हुई, और नहीं ये भी बाउंड्री होती थी। बहुत ही अच्छा शॉट, टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। ईश्वर की अगली गेंद सामना करने के लिए मौसम, देखना किस तरीके से, बहुत ही अच्छी डिलीवरी इस बार, कामयाब हुए छकाने में मौसम को। हालांकि पछता रहे हैं कि दो तेज वहां पे शॉट खेलना चाहते थे, अपनी टीम के लिए कुछ योगदान करना चाहते थे, और उनका प्रयास भी और अच्छा शॉट, बहुत जोरदार प्रहार किए वहां पे, गेंद सीमा रेखा की तरफ वहां जाती हुई, दीवालों में अड़ने के बाद मात्र 2 रन से संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही तेज शॉट और तीसरे के प्रयास में निकल पड़े, लेकिन वहां पे आउट हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच। हमारे साथी स्कोरर भूषण कुछ कन्फर्म करने के लिए गए हैं अपने साथी स्कोरर के पास में। इस तरीके से दशहरा का खूबसूरत मैदान, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित धमाकेदार गंगोत्री प्रीमियम लीग, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, आंखों देखा हाल सुनाते हुए लाइव कमेंट्री में दशहरा मैदान में रामुसेन आपके बीच में, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, साथ ही साथ माननीय सम्मानित अध्यक्षा जी, सोनिया धामी जी, भरत गंगोत्री जी, शंकर धवानी जी, अमर हीरा जी, अनिल दमोजानी जी, सुनील जी, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में लगे हुए जिस भाइयों का योगदान है, सभी का अभिवादन करते हुए, उनके प्रति सम्मान प्रसारित करते हुए, सभी दर्शकों की तरफ से हार्दिक शुभकामना। गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन का आगे बढ़ता हुआ कदम, जो कि सराहनीय कार्य, स्पोर्ट के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता हुआ कदम, जो कि आगे दर्शाता है कि नई पीढ़ी के हिसाब से नए टैलेंट को निखारने का एक मंच तैयार किया गया यहाँ पे गंगोत्री प्रीमियर लीग में। एक से एक टैलेंट यहाँ पे निखर करके ऊपर करके सामने आते हैं, और आप सभी दर्शकों के सामने उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। टूर्नामेंट का आनंद प्राप्त करने के लिए आए हुए सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का, इस प्रीमियर लीग से जुड़े हुए सभी छोटे बड़े सभी जनों का आभार प्रकट करते हुए कमेटी की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए।
जय भोले सीसी के खिलाड़ियों ने बैटिंग करते हुए यहाँ पे, अब इसके बाद जो मैच खेला जाना है उस टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि अपने खिलाड़ियों को अलर्ट रखें। स्कोरर भूषण कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में आए। स्कोरर भूषण जो कि काफी सजग और स्वच्छ स्कोरिंग करते हैं और उनका अनुभव बहुत अच्छा। इसी के साथ बॉलर रनिंग मार पे तेज शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे सेकंड स्लिप पे गेंद जाते हुए डिक्लेयर का एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। स्कोरर भूषण प्लीज कम कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें और अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहां बॉलर के द्वारा। बॉलर की अगली गेंद तेज शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वहां पे बीट हुए, पूरी तरीके से बीट होते हुए गेंद सीधा कीपर के हाथ में, कीपर ने पूरी चपलता के साथ वहां पे गेंद को फील्ड किया बॉलर के हाथ में। बॉलर रनिंग मार पे जाते हुए राइट हैंड ओवर दी स्टंप सामना करने के लिए साथ तेज शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे शायद है कि डिक का ही रन मिल पाएगा और वन प्लस से संतोष करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन फाउंडेशन की तरफ से बड़ी धमाकेदार शुरुआत इस वर्ष की यहाँ पे सभी दर्शकों में जगह बनती हुई प्रसारित होता हुआ यूट्यूब चैनल पे इस प्रीमियर लीग का आयोजन जिस तरीके से प्रसारित हो रहा है और इसका आयोजन बॉलर की अगली गेंद जोरदार शॉट खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े जब तक गेंद आती, दूसरा रन भी कंप्लीट आसानी के साथ और तीसरे रन का भी प्रयास करते लेकिन वहां पे स्ट्राइक वाले बैट्समैन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बॉल थोड़ा फुटबॉल की तरफ पैर पर लग जाने की वजह से बाहर की तरफ जाने लग गई थी और अच्छा चांस था वहां पे लेकिन दो रन कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने। और ये लेग साइड की दिशा में खेला गया शॉट
इसी के साथ बॉलर रनिंग मार पे, बहुत ही अच्छी डॉट बॉल। इसी के साथ बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए यहाँ पे स्कोरर भूषण कृपया आवाज सुन रहे हैं और गोविंद भाई सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आते हुए उनका हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ ही वहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे इसके साथ ही अगली गेंद सामना करने के लिए वहां पे जोरदार हिट कर दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर की तरफ जाती हुई देखना कहां पहुंचती है। एम्पायर का इशारा, डिक्लेयर वन रन। बहुत ही तेज शॉट था लेकिन थोड़ा सा बाउंड्री के विपरीत। और बॉल आ गई। इसके साथ ही बॉलर रनिंग मार पे जाते हुए सामना करने के लिए बैट्समैन स्ट्राइक पे, और तेज शॉट खेल दिया है लेकिन पूरी तरीके से बैट पे नहीं, वहां फील्डर भागते और ये बहुत ही अच्छा कैच। यहाँ पे विकेट भी निकाले इस ओवर में और एक रन मात्र दिया है यहाँ पे बॉलर ने। अगले बैट्समैन के रूप में पंकज, काफी अच्छा पीछे के मैच में इनका परफॉर्मेंस था, अपनी टीम के लिए योगदान था। जीपीएल में दशहरा ग्राउंड के रमे हुए बैट्समैन है ये, काफी अनुभवी। देखना है अपने टीम के लिए क्या योगदान कर पाते हैं, इस समय उनको जरूरत यहाँ पे रन बनाने की और साथ ही साथ विकेट पे रुक करके खेलने की। सिद्धार्थ इलेवन के बैट्समैन पंकज स्ट्राइक पे, नरू भाई सामना करने के लिए तैयार। और काफी बाहर गेंद थी, व्हाइट का इशारा प्लस। व्हाइट प्लस, थोड़ा स्कोर में इजाफा होता हुआ। अभी स्कोरिंग का कारोबार संभाल रहे गोविंद।
ऑलराउंडर है, हर जगह पे सपोर्ट करते हैं और पूरी तरीके से दो ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। काफी धीमी शुरुआत यहाँ पे जय भोले के लिए। कम ओवर के मैचेस में थोड़ा तेज हिट की जरूरत होती है, 6 और 4 लगने के बाद भी स्कोर वहाँ पे सुसज्जित होता है और वही प्रयास किए थे यहाँ पे पंकज। लेकिन चूंकि बॉलर ने मुकेश बॉलर ने और इस तरफ अंदर की तरफ लाए थे गेंद, ऐसा लग रहा था पंकज को कि गेंद लेग साइड से बाहर जाएगी, लेकिन गेंद स्विंग कराए थे, गेंद घूमी थी और लास्ट में पंकज ने गेंद को प्लेस कर दिया था लेग साइड की दिशा में। 1 रन से ही संतोष करना पड़ा। बॉलर मार्क का सामना करने के लिए अगले बैट्समैन नारू भाई लेग साइड की दिशा में वहाँ पे डिक्लेयर कर रही, रन से संतोष करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब नमस्कार, सुनील जी और ये बहुत जोरदार शॉट खेला गया, देखना कहाँ पे गेंद जाती है और बहुत ही ऊंचा शॉट था यहाँ पे नरुल भाई के बल्ले से निकला हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे कैच आउट। और इसी के साथ टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। दूसरा ओवर जारी, तीसरा ओवर अभी मात्र 2 ओवर में देखना है कितना योगदान कर पाते हैं अपने टीम के लिए। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर टोटल 12 रन। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन। इस तरीके से अब यहाँ पे थोड़ा तेज खेलने की जरूरत, क्योंकि काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे किया है सिद्धार्थ
इलेवन के खिलाड़ियों ने बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए यहाँ पे बहुत तेज शॉट खेल दिया। वहां पे गेंद सीमा रेखा, जोरदार प्रयास किया था वहां पे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अगेंस्ट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। लगातार यहाँ पे शॉट खेल दिया गेंद सीमा रेखा की तरफ लेकिन वहां पे आसान कैच में बदल गया। योगदान करके यहाँ पे हालांकि जोरदार हिट वहां पे किए थे और कोई मौका नहीं मिला वहां पे छोड़ने का। काफी हवा का रुख थोड़ा विपरीत था, इसकी वजह से थोड़ा सा वहां से गेंद कुछ पहले ही रुक गई। शॉट में कोई कमी नहीं थी और वहां पे कैच आउट होकर के पवेलियन की दिशा में जाते हुए। अगले बैट्समैन नए बैट्समैन निक्स साथ देंगे पंकज का। बॉलर रनिंग मार पे जाते हुए सामना करने के लिए और यह बहुत ही अच्छी डिलीवरी, कीपर को भी नहीं समझ में आई गेंद की कैसे इतना फास्ट यहाँ पे बॉल थी कि कीपर को भी समझने में वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और वहां पे डिक्लेयर का 1 रन 22 का। अच्छा शॉट, जोरदार शॉट, मुकेश मौजूद और खूबसूरत फील्डिंग वहां पे मुकेश की। मुकेश ने फील्ड किया और उससे पहले ही वहां पे हाथ में आती है और यहाँ पे आउट हो गए। 1 रन ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ, प्रयास किया था बहुत ही अच्छी फील्डिंग लेग साइड की दिशा में मुकेश के द्वारा। बाउंड्री लाइन पे रुके यहाँ पे फील्डर के रूप में पंकज, नए बैट्समैन के रूप में अविनाश सीलेलाल जो कि कमेंट्री बॉक्स से गोविंद जी बुलवा रहे हैं। बॉलर का सामना करेंगे पंकज और अच्छी बॉल, लगातार अपनी बॉलिंग से प्रभावित किया है बॉलर ने। बॉलर देव बहुत ही अच्छी बॉलिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। गेंद की मूवमेंट, इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति, टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन, 9 रन इस ओवर से प्राप्त हुए। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कितना रनों का योगदान अपने टीम के लिए करते हैं दोनों बैट्समैन। और ये जोरदार शॉट और वहां पे खूबसूरत कैच।
शिव शक्ति 11 के कप्तान और जय मलार सीसी के कप्तान टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। दोनों टीम के कप्तान टॉस उड़ाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। धन्यवाद। और क्लीन बॉल। भाई आता हूँ, मैं फोन करता हूँ अभी खाना खा के। हाँ सेठ, हमको मालूम है, बनाने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, और एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। मुकेश सपकाले की बेहतरीन बॉलिंग, केवल एक ही रन दिया इन्होंने।